हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो थोड़ी डिफरेंट होने वाली है, बिकॉज आज तक मैंने अपने चैनल पर कुछ इस तरीके के प्रोडक्ट का रिव्यू नहीं किया है। सो आज मैं शेयर करूंगी ये स्वीट का सेंसिटिव प्रिसिएशन ब्यूटी स्टाइलर ट्रिमर का रिव्यू। तो ये प्रोडक्ट देखकर आपको कुछ दूसरे प्रोडक्ट की याद आ रही होगी ना, पैकेजिंग वगैरह देखकर। सो यस गाइज, ये है वीट का ड्यूप है। ये जो वीट का ट्रिमर आता है वो थोड़ा एक्सपेंसिव आता है, और ये जो है इसका ड्यूप है। तो इसको मैंने लिया था फ्लिपकार्ट पर से, तो ये मुझे 450 का मिला है। सो पैकेजिंग भी सेम ही है इसकी, एंड प्रोडक्ट है वो भी सेम ही है। लॉकडाउन चल रहे थे तब मैंने इसे मंगवाया था, बिकॉज बहुत ज़रूरी हो गया था क्योंकि पार्लर बंद थे। इसलिए फाइनली आज पार्लर जो है मेरे यहाँ का खुल चुका है। तो अब मैं बताती हूँ इस प्रोडक्ट को। सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स। सो दिस आर दी फ्यू अटैचमेंट जो इसमें दिए हुए हैं, और ये है ट्रिमर। सो मैं इसको आपको बता दूँ। सो ये है वो ट्रिमर। सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स। सो यहाँ पर दो ब्लेड दिए हैं। जो ये बड़ी वाली ब्लेड है ये फेशियल हेयर को रिमूव करने के लिए है, और जो ये सेकेंड वाली जो इतनी छोटी देख रहे हो आप, ये जो है आईब्रोज के लिए दी गई है। और यहाँ पर नीचे जो है इस तरीके से करने पर यहाँ पर हमें सेल अटैच करनी होती है। सेल अटैच करने के बाद ही ये चालू होगा, अदरवाइज ये नहीं चालू होगा। सेल जो है मुझे पहले से ही इसमें प्रोडक्ट में मिली थी, मुझे अलग से जो है खरीदनी नहीं पड़ी। सो इसको मैं बंद कर लेती हूँ अभी, और जब आप चालू करोगे इसे तो इसमें जो है साउंड आता है, जो कि बहुत ज़्यादा आता है इसमें, मुझे वही नहीं पसंद आता है। आप सुनो। सो गाइस, आप सुन सकते हो कुछ इस तरीके का साउंड आता है इसमें। ट्रिमर बहुत अच्छा है गाइस, इससे आप आईब्रोस भी कर सकते हैं, फेशियल हेयर को भी रिमूव कर सकते हैं। हैंड पर भी ये बहुत ही अच्छे से, हैंड के जो हेयर होते हैं उसे भी बहुत अच्छे से रिमूव कर देता है ये, और लेग के हेयर को भी बहुत ही अच्छे से रिमूव कर देता है। अब मैं दिखाती हूँ इसके अटैचमेंट्स। सो ये है फर्स्ट अटैचमेंट जो आप देख रहे हो, कुछ इस तरीके की बड़ी ब्लेड दी गई है यहाँ पर। इसे आप हेयर जो हैंड के हेयर होते हैं उसे रिमूव करने के लिए अटैच करना पड़ेगा आपको ये। और नेक्स्ट जो है ये ब्रश दिया है, जो कि करने के बाद जो हेयर इसमें रह जाते हैं उसे क्लीन करने के लिए, कुछ इस तरीके का। और नेक्स्ट है ये वाली कैप, जो कि इस तरीके से हमें लगानी होती है इसमें, बस सिक्योर करने के लिए दिया गया है। और जो दूसरे अटैचमेंट्स हैं वो आई डोंट थिंक सो कि ये नेसेसरी है, इसका कोई यूज़ नहीं है इसमें। तो इस वाले अटैचमेंट को मैं इसमें आपको लगा कर बताती हूँ। तो यहाँ से आपको सिंपली ना कुछ इस तरीके से आपको ऊपर से यहाँ से ऐसे रिमूव करना है, तो ये जो अटैचमेंट है वो ऊपर का रिमूव हो जाएगा, और जो सेकंड वाला है उसको हमें सिर्फ सिंपली सा इसमें अटैच करना है। सो ये अटैच हो जाएगा। सो इससे हम अच्छे से अपने जो हैंड हेयर है, लेग हेयर है, उसको अच्छे से रिमूव कर सकते हैं। इस वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जो नीचे आपको रेड वाला बटन दिख रहा है ना, सिर्फ उसको दबाना है, बस उसको दबा दो। एंड उसके बाजू में जो छोटी वाली बेल बटन होगी उसे भी हिट कर दो, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूंगी तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।